जो मार्बल है एक्चुअली ये लग्जीरियस में आता है क्योंकि ये अगेट मार्बल है. अगेट मीन्स ये ऐसे सेमी प्रेसिस स्टोन, ये बेसिकली मैन मेड है जी. जी हाँ, इसके स्पेशलाइज्ड लोग हैं जो ये काम को करते हैं जी, है ना. टॉप ऑफ कोर्स हम नहीं बनाते होंगे. इसमें एक्चुअली मतलब एपॉक्सी से इसके ऊपर कोट किया पड़ता है, उसके ऊपर फिर इस पे पॉलिस्टर कोट पड़ते हैं. मतलब इसमें 12 से 14 लेयर्स इस पे पड़ती है. दिखाएंगे ये भी जो टेबल है, एक्चुअली ये टेबल टॉप जो है ये आजकल बहुत ट्रेंड में है. अच्छा हाँ, इसमें इसमें ये जो ऊपर का जो वर्क किया हुआ है ये हनी बी डिजाइन है. ये सारा ब्रास इनले का वर्क है, उसके ऊपर फिर पॉलिस्टर कोट भी पड़ा हुआ है. बेसिकली ये जो स्टोन है ये कंपोजिट वाइट ऑनिक्स है. थैंक यू वेरी मच. सर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इसमें ये जो इसकी हमने शेप रखी है, एक्चुअली इसके कॉर्नर तो हमने इसको राउंड किए हैं, बट इसकी जो ये शेप है आप देखेंगे जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे है. ये बिल्कुल ऐसे राउंड शेप में है, तो इसकी लुक थोड़ी सी और निकल के आती है सर. थोड़ा रिचनेस बढ़ जाती है. एग्जैक्टली. और इसकी जो चेयर्स हैं जो हमने पहले देखी थी ये सेम चेयर्स हैं, बस फर्क इसमें इसमें ये फर्क है कि इसमें फैब्रिक कॉम्बिनेशन इसमें चेंज है. और प्लस इसके अंदर ये जो किया हुआ है ये वाला, ये है प्यू कोटिंग, ये हाई ग्लोस पॉलिश है. ओके. जैसे जो हमने पहले आपको दिखाया था वो पॉलिशर कोट है, तो इसलिए उसमें प्राइस थोड़ा वेरी करता है. ये भी मुझे तो उतना ही शाइन करता है. बट इसमें जैसे उसमें कोट पड़ते हैं 12 से 13 कोट, 14 कोट, इसमें पड़ते हैं 5 कोट. अच्छा. तो ये भी जो हम कोट करते हैं, हम सारा सिरका कंपनी का माल लगाते हैं. मतलब जो कोटिंग होती है हमारी, मतलब सारा ब्रांडेड होगा, बॉक्स शेप में होगा. और नीचे जो हमने इसमें लेग्स लगाए, ये स्ट्रक्चर जो बनता है हमारा सॉलिड वुडन होता है. जैसे अभी हमने आपको फैक्ट्री में भी दिखाया था कि हमारा किस तरह से काम हो रहा है. बिल्कुल. तो मतलब हमारे यहाँ आपको जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगा, और मतलब हल्की चीज़ आपको यहाँ कोई नहीं मिलेगी. ठीक है. जो हमने साइज रखा है 6.25 लेंथ और 3.25 इसकी विड्थ है, यानी 6.25 फीट लंबा और 3.25 फीट चौड़ा है. अच्छा. ठीक है सर. और इसमें क्योंकि ये जो साइज़ है इसका लुक इसमें निकल के आता है. इसको हम 6-3 में ही बना सकते हैं, बट 6-3 में थोड़ा सा स्लीक हो जाता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ जी. और ये हम जा रहे हैं फ्रॉम द कॉम्पोजिट टू, मेरे ख्याल से ये ओरिजिनल ऑनिक्स. ये सर ओरिजिनल ऑनिक्स है. मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा. ये जो ऑनिक्स है बेसिकली ये नेचुरल ऑनिक्स, दिस इज रेनबो ऑनिक्स. अच्छा जी. जैसे इसमें क्रिस्टल ऑनिक्स आते हैं, रेनबो ऑनिक्स आता है, और भी कई तरह की इसमें बहुत वैरायटीज आती हैं. तो इस बार हमने कुछ नया रखा है, क्योंकि क्रिस्टल्स तो बेसिकली कॉमन डिजाइन हो गया, कॉमन सबके पास आपको मिल जाएगा. इस तरह के रेनबो वाले जो ये इसमें भी क्रिस्टल्स होते हैं, बट इसमें जो ग्रेन्स हैं ये वाले, ये रेनबो वाले ग्रेन्स हैं, तो थोड़ा ये लेटेस्ट ट्रेंड में है जी. लेकिन बस ये फर्क होता है इसमें विजय जी कि हर टॉप अलग अलग रेनबो पैटर्न क्रिएट करेगा, क्योंकि ये नेचुरल क्रिएशन है जी. ये मैनमेड क्रिएशन नहीं है जो आप देख रहे हैं जी. तो यू मे नॉट फाइंड द सेम पैटर्न इन एवरी स्टोन, इट विल हैव अ डिफरेंट स्टोन. हर एक में अलग अलग पैटर्न क्रिएट होंगे पर सिमिलर हो जाएंगे, है ना. राइट सर. ओके. आई थिंक कॉम्पोजिट ऑनिक्स इज ब्यूटीफुल. लॉट ऑफ पीपल प्रेफर कॉम्पोजिट ऑनिक्स, बट ओरिजिनल ऑनिक्स हैज इट्स ओन ब्यूटी, अपनी खुद की अपनी खूबसूरती है. राइट ना. बिल्कुल. बहुत मुझे तो पर्सनली मुझे बहुत पसंद आता है ऑनिक्स. बिल्कुल. एंड देर अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स, बी इट ब्लू, पिंक एंड ब्लूज एंड ग्रीन्स एंड हनी एंड व्हाइट. जी जी. इसमें 10-12 शेड्स अवेलेबल है. आपके पास भी है? हाँ, वो हमारे पास भी है. उसके हमारे पास सैंपल्स होते हैं. वो जब कस्टमर्स अगर चाहता है देखना तो हम उनको सैंपल्स उनको दिखा देंगे. इसका बेस हमने किस में रखा है सर? इसका मैं आपको बता देता हूँ. जो उसका बेस है ये थोड़ा हमने डिफरेंट कर दिया इस बार, क्योंकि इसमें जो हमने ये जो बॉक्स बनाया है वैसे ये होलो है. मैं आपको मिसगाइड नहीं करूंगा. नहीं, दिस कैन नॉट बी सॉलिड. हाँ, बिल्कुल ठीक बोला आपने. ये होलो बॉक्स है, और मतलब इसके हमने पूरा स्ट्रक्चर जैसे वुड का पूरा ऐसे ग्राउंड स्ट्रक्चर बना के फिर उसके ऊपर हमने पूरा फ्लेक्सी एक बैंड प्लाई फ्लेक्सी जो प्लाई होती है उसके ऊपर फिर ये सब ये जो गोला आप देख रहे हैं ये सब सागवान के गोले हैं, टीक के. अच्छा. और फिर इसके ऊपर प्यू कोटिंग है इसमें. ये क्रीम कलर का प्यू कोटिंग है. इसमें आप कलर्स आपको मिल जाएंगे. ठीक है. और जो नीचे का बेस है ये सारा जो है ये भी प्लाई बोर्ड में बनता है. हमने इसके ऊपर SSC शीट हमने पेस्ट कर दिया है गोल्ड कलर में. इसमें भी आपको गोल्ड, रोज गोल्ड, मिरर आप कोई भी आप इसमें यूज कर सकते हैं. ये चेयर्स ये भी हमने बिल्कुल नया मॉडल अपडेट किया है. इसमें इसकी खास बात यह है कि जैसे आप इस चेयर्स पे सेटिंग करते हैं तो ये जो चीज़ है ये उसकी विंग्स हैं ये हमारी बैक को पकड़ लेते हैं. अच्छा. ये इससे कम्फर्टनेस आती है. और हम जो सीट में कुशन हम यूज़ कर रहे हैं जैसे डाइनिंग टेबल चाहे कोई भी हो, कोई भी चेयर्स हो, क्वालिटी हमने एक ही रखी हुई है. हम इसमें सारा स्लीप वेल कुशन लगाते हैं, फेदर फोम. ओके. 40 डेंसिटी का कुशन होता है, वो हम आपको दिखा भी देंगे. हाँ, और मैं आपको इस पर बैठ के भी दिखाता हूँ. आप देखिए इसकी स्टैंडर्ड हाइट है और ये जो चीज़ है हमारी बैक को पकड़ लेती है. तो एक आपको सपोर्ट मिलता जी, है बहुत. क्योंकि देखो हम जब डिनर कर रहे हैं या फिर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा कंफर्ट चाहिए होता है. बिल्कुल. चलिए जी.
ये कॉम्पोजिट ऑनिक्स है सर, ये भी कॉम्पोजिट ऑनिक्स है, इसका साइज 6x3 में है। अच्छा। इसमें जो हमने ब्रास वर्क जो किया है थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में किया है जी, क्योंकि वैसे तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इसमें जैसे पैटर्न्स बने हुए होते हैं, आप उस पैटर्न को आप चूज करके आप इसमें फिक्स कर सकते हैं, और इसको करने के बाद जैसे फिर अंडरस्टूड है कि फिर इसमें पॉलिशर कोट करना पड़ता है जी। और ये भी बॉक्स वाला पत्थर है, आप इसकी चेयर्स देखेंगे, ये डिजाइनर चेयर्स है और बहुत लाइट वेट है, सॉलिड वुड में बनी है। और इसमें इसका प्लस पॉइंट ये किया है कि इसमें हैंडल है, जैसे होता क्या है कि जैसे हम डाइनिंग पे जैसे बेसिकली खाना खा के हैं, छोटे बच्चे हैं घर में, कोई भी है, सब्जी में हाथ है, कोई गंदे हाथ है, कपड़े पे लगता है तो कपड़ा एकदम मैला हो जाता है, तो उसका प्लस पॉइंट है कि आप इसको यहाँ से हैंडल से इसको यूज करके इसको आप कैरी कर सकते हैं, इसका प्लस पॉइंट है। डन जी। और फैब्रिक हैंडलिंग इजी है थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। और आप इसमें ये स्टिचिंग वर्क देखेंगे, ये सारा वर्कमैनशिप आप देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है, ये सब हमारी फैक्ट्री में बनता है और सारे कारीगर जो हमारे स्किल्ड होते हैं। ठीक है जी सर। एक चीज़ आपने नोटिस किया कि जितने भी लग्जरी सेगमेंट के डाइनिंग टेबल हैं वो फोर लेग नहीं है, सेंटर बेस होते हैं, क्योंकि सारी की सारी चेयर्स तभी अंदर जा सकती हैं अदरवाइज वो अटक जाएंगी। एग्जैक्टली सर। डन। ब्यूटीफुल। और इनको ट्राई भी मत करिएगा कि फोर लेग्स में, वरना वो लग्जरी खत्म हो जाएगी, लग्जरीनेस जो होती है उसकी वो कम हो जाएगी, कम हो जाता है। राइट। कॉम्पोजिट ऑनिक्स है, इनले भी बहुत स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर, एक बार देख लें, इनले की क्वालिटी भी डिपेंड करती है कि इनले भी अच्छा होना चाहिए। अब है जो नेक्स्ट हम देख रहे हैं, ये है कॉम्पोजिट मार्बल विदाउट इनले, प्योर वाइट। ऐसे बेसिकली ये एक्चुअली 4 लैक्स के ऊपर है और इसका जो साइज है 6x3.25 का इसका साइज है, और जैसे जिनके पास स्पेस कम होता है, जो चाहते हैं कि चेयर सारी जगह स्पेस कम ले, तो ये उन लोगों के लिए है कि इसमें क्या है कि जो इसका स्ट्रक्चर है, जो टेबल है सॉलिड वुड में बनता है, इसमें जो ये बॉर्डर्स, इसके लेग्स, ये सॉलिड वुड है, टीक वुड में बना है और इसमें सारा कार्विंग का काम है, ये सब ये लकड़ है, ये सब सॉलिड वुड है, सेम मैचिंग इसकी सेम चेयर्स इसकी हमने बनाई है। बिल्कुल जी। बिल्कुल ठीक है। और हमेशा जो चेयर्स की बैक लेग होती हैं वो सपोर्ट के लिए टेपरिंग शेप में होती हैं, स्ट्रेट नहीं होती, वो ताकि वो उसका लोड ले सकें। बिल्कुल। क्योंकि आपका बॉडी लोड लेना होता है। बिल्कुल सर। बिल्कुल। जैसे ये जो चेयर्स हैं, अब आप देखेंगे कि इसकी चेयर्स में ना प्लाई का कोई प्रोविजन नहीं है। अच्छा। इसमें क्या है कि इसमें इलास्टिक बेल्ट है, अच्छा, स्प्रिंग है, उसके ऊपर फिर कुशन है, फिर इसमें फैब्रिक है। ओके जी। तो आप जब आप इसमें बैठेंगे तो आपको इसमें आपको जंप मिलेगा, आप जैसे बैठेंगे तो कुशन थोड़ा से अंदर जाके जैसे बैठता है आपको जंप मिलेगा, बट जो प्लाई वाली चेयर्स होती हैं वो फिर डिफरेंट स्टाइल की होती हैं। ये जो चेयर्स हैं आप देखिए, ये भी पूरा 4 लैक्स के ऊपर डिपेंड है टेबल। अच्छा। और इसमें ये बॉक्स वाला टेबल है, मतलब एक्चुअली कैप के साथ है। अच्छा। हाँ, जैसे वो हमने आपने देखा था उसके नीचे बॉक्स से कम्प्लीट था, बट ये टॉप के साथ बॉक्स है, मतलब इसके अंदर एक नीच बना हुआ है, उसके अंदर जाके उसको हमने डाल दिया है, प्लेस किया है। हाँ ठीक है। और ये इसमें आप देखेंगे ये सारा ये कट वर्क है, उसमें ओरिएंटल शेप में जैसे आप थोड़ा शेप इसकी डिफरेंट स्टाइल है और सॉलिड वुड स्ट्रक्चर, देन चेयर्स भी इसकी सेम मॉडल की है, बटरफ्लाई इसको हम बोलते हैं चेयर्स का, और ये जो ऊपर का क्राउन है ये बटरफ्लाई, ये भी सॉलिड वुड में है, हमने इसको डुअल टोन के साथ इसको हमने बनाया है। इसमें भी बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं, पैटर्न होते हैं, आपको वो हम फाइल से आपको चूज करा देंगे। चलिए ठीक है। डन। आप चाहें तो इसमें ना ट्विस्ट भी कर सकते हैं थोड़ा सा, आप चाहें तो पूरा फुल प्लेन भी करा सकते हैं, पीछे का हिस्सा फ्लोरल कर लीजिए, आगे का हिस्सा प्लेन कर लीजिए, है ना। एग्जैक्टली। ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें भी सर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो बेस है ये भी थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है। बेसिकली ये भी मैंने जो डिज़ाइन है ये इंटरनेट से डिज़ाइन मैंने लिया है। अच्छा। और उसको मैंने हमारी फैक्ट्री में एक फर्मा सेट करवा के मैंने इसको बनवाया है। ठीक है। आप देखेंगे इसमें जो विनियर है ये सारा मापा बल विनियर, और ये इसका जो स्ट्रक्चर है नॉट एन MDF, दिस इज सॉलिड प्लाईबोर्ड। अच्छा। यस सर। और इसमें हमने सेंटर में एक लुक देने के लिए हमने एक SS की स्ट्रिप ऐड कर दी है, जिससे कि थोड़ा लुक बढ़ जाता है, रिचनेस आ जाती है। और वही सेम इसमें कॉम्पोजिट ऑनिक्स हमने इस पे दे दिया है, इसमें ब्रास का वर्क विद पॉलिशर कोट है, चेयर जो है इसकी डुअल टोन के साथ है, जैसे बैक साइड में हमने लेदर हिट लगा दिया है और विद स्टड्स के साथ, और जो फ्रंट है इसका ये प्लेन स्वेट्स है, फैब्रिक है। चलिए ठीक है। आप इसमें देखेंगे जनरली क्या होता है कि लोग इसमें सीट्स में सिर्फ 2 इंच का कुशन यूज करते हैं, वो कुशन भी क्या है फोम होती है, जो हम बैक में यूज करते हैं वो सीट में यूज कर देते हैं। उसमें क्या करते हैं कि जैसे 2 इंची का फोम लगा के फिर उसके ऊपर 1 इंची के लेयर लगा देते हैं, तो फिर उसमें उससे क्या है कि उसके चेयर की लाइफ जो है वो सिर्फ 2-2.5 साल से ज़्यादा की लाइफ नहीं होती, और हम आपको पूरा 4 इंच का कुशन लगा के देंगे, हम आपको गारंटीड फर्नीचर देते हैं, और हम आपको रिटर्न में आपको गारंटी पूरा कार्ड बना के देंगे कि हम आपको इतने साल के आपको फर्नीचर की गारंटी देंगे। अब ये वाला बताते हैं हमारे व्यूअर्स को, ये स्लीक एंड स्मार्ट है जी,
क्या इसका टॉप है सर? ये वाला भी कंपोजिट ऑनिक्स है, बट ये थोड़ा इकोनॉमिकल रेंज में आ जाता है। अच्छा, जैसे जो ऑनिक्स जो हम आपको कंपोजिट दिखा रहे थे वो थोड़ा इससे प्रीमियम में होता है, ये थोड़ा लो सेगमेंट में आ जाता है। ठीक है, बट ये भी इनले वर्क के साथ है। आप अगर आप इसमें चाहते हैं, इसमें भी दो शेड अवेलेबल है, जैसे ये थोड़ा क्रीमिश टोन पे आता है, इसमें एक वाइट टोन में भी मिल जाएगा, और इसमें आप पॉलिस्टर कोट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। इसकी लाइफ उसमें सेम है, ऐसा नहीं है कि उसकी और इसकी दोनों की लाइफ में फर्क है, बट थोड़ा सा फील में आपको फर्क आएगा। एंड आई गिव वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट दिस, नॉट माई फेवरेट टॉप। मेरे को ग्लास के टॉप विद डिजिटल प्रिंट आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ, बट सम पीपल लाइक इट, है ना? कुछ लोगों को पसंद आते हैं। बिल्कुल सर। ओके, बिल्कुल सर, ये इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि देखो सर, सबका अपना अपना एक अलग बजट होता है। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है सर, जो ये जो चीज़ है ये पॉकेट फ्रेंडली एंड बजट फ्रेंडली होता है। कि ग्लास टॉप, जैसे किसी का मार्बल पे बजट नहीं है तो ग्लास टॉप, इसमें भी जैसे आप ग्लास टॉप में आजकल तो एक से एक पैटर्न्स आ रहे हैं। अगर आप कोई चाहते हैं कि कस्टमर की मार्बल के अंदर, मतलब ग्लास के अंदर ही इनको मार्बल का लुक मिल जाए, अच्छा, तो वो भी हम सेम हो जाता है। अच्छा, जैसे अच्छा, आपको अगर ऑनेक्स का फील चाहिए, इसको एक काम प्लेन भी रख सकते हैं, ये कलर आप इसको प्लेन भी कर सकते हैं। इसमें 400 सीट्स अवेलेबल है सर। ओ दैट इज फाइन। तो वो लोग जो ग्लास की तरफ प्रेफर कर रहे हैं, जिनके बजट कम है, उनको वो मार्बल करा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आप ऑनेक्स मार्बल, इसमें आप इटालियन मार्बल, कोई भी इसमें आप थीम बनवा सकते हैं, क्योंकि इसमें फिल्म होती है नीचे। और ये ग्लास की थिकनेस जो होती है वो 12 mm की होती है, 12 mm आधा इंच मोटा, और एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास होता है सर। चलिए ठीक है। ये जैसे देख रहे हैं ये भी एक डिजिटल प्रिंट है जी ग्लास का। बिल्कुल। ओके, ये क्या रेंज में होगा सर? ये भी लो सेगमेंट में है। ये बेसिकली 5x3 का इसका साइज है। ये 4 chairs and 1 bench, जो उसका नीचे का बेस है, इसमें सारा ब्लैक जेब्रानो विनियर लगा हुआ है, और अंदर जो है इसमें हेक्सागन शेप है, और उसके अंदर एक एसएस की सीट बैंड है। आप देखेंगे मल्टीपल लेयर्स में, इसमें मल्टीपल एक लेयर्स दिख रही है, और इसमें गोल्डन एंड ब्लैक दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें लुक दिया है, जिससे कि इसकी रिचनेस बढ़ जाए। और फैब्रिक भी, फैब्रिक इसमें थोड़ा सा हमने डिफरेंट लगाया। चलिए, तो हम इसमें जो हमने फैब्रिक यूज किया है ये सारा फर वाला फैब्रिक है। आप देखेंगे उसका, आप उसको क्लोजअप दिखाइए, ये फर वाला है जी। यस, एक इसमें फर का इंपैक्ट है, फर नहीं है पर फर जैसा, मतलब फर जैसे इंपैक्ट है इसके अंदर। इसको हम टाइगर प्रिंट भी बोल सकते हैं। बिल्कुल, रोवेतो क्वालिटी टाइप का है ये सर। ये वाला जो हमने सेट रखा हुआ है, क्योंकि अभी तक जो हमने दिखाया आपको ऑनेक्स एंड कंपोजिट दिखाया है, ये इटालियन में आ गया। ये डायन है, ये सर ओटोन मार्बल है, सॉरी परलेटो, परलेटो है। ओके, और ये भी बॉक्स के साथ है। इसका जो नीचे का जो बेस है थोड़ा, मतलब स्लीक एंड, अच्छा वो इटालियन स्टाइल स्टाइल है। इसमें चेयर्स आपकी सारी अंदर चली जाती हैं। ठीक है, और इसकी जो ये वाली जो चेयर्स है, आप देखेंगे चारों चेयर्स में और लेग्स में एंड स्टील कैप है, और इसमें थोड़ा स्टिचिंग वर्क हमने दे दिया है ये वाला। ये सर, ये जैसे डाइनिंग टेबल है, ये वाला मेरा जो सेट है ये बेसिकली 4 legs के साथ है, और सॉलिड बेस इसका बना हुआ है सॉलिड टीक वुड में, और प्यू पॉलिश के साथ में है, और इसमें कुशनिंग में जो फैब्रिक है वो आप चूज करके, आप चेंज करके करवा सकते हैं। इसमें स्टोन जो है ये हनी ऑनिक्स है। अच्छा, हाँ, कंपोजिट हनी ऑनिक्स।